Subscribe to my channel Sukhpreet Kaur Indian Mom Tips for more videos and don't forget to click on the bell icon so that you will never miss out any of my new videos. 3 product makeup look. आज का वीडियो इस बारे में ही है कैसे आप सिर्फ 3 product यूज करके एक ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप डेली कर सकते हैं. आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉस्मेटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये ब्यूटीफुल सा लुक सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल करके कैसे क्रिएट किया है, वॉच माय वीडियो. सो ये 3 product मेकअप लुक है और मैं इसके लिए अपनी होममेड बीबी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ. बीबी क्रीम इसलिए क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और प्राइमर सब चीज का ये और फाउंडेशन का ये इक्वली ब्लेंड है, मिक्सचर है. तो इसलिए क्योंकि ये 3 product मेकअप लुक है तो मैं सिर्फ बीबी क्रीम ही इस्तेमाल करूंगी. ये मैं अपनी होममेड बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ. आप कौन सी अगर किसी ब्रांड की बीबी क्रीम यूज करती हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं. यू कैन वॉच माई होममेड बीबी क्रीम वीडियो. अब मेरे फेस के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा पैचेस हैं तो वहां पे मैं एक हल्का सा डबल टच दे रही हूँ सेम बीबी क्रीम के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई कंसीलर नहीं है. मैं कोई कंसीलर इस्तेमाल नहीं करूंगी इस लुक में. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. गिव अ डबल कोट. कहीं पे भी आपको लग रहा है पैचेस हैं तो आप वहां पे एक डबल कोट इस बीबी क्रीम का दे सकते हो. प्लस इसको मैं लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी लिपस्टिक का एक अच्छा बेस हो जाएगा और लिपस्टिक जो है वो थोड़ी ज्यादा टाइम तक स्टे करेगी. अब मैं अपने मेबलिन का कलोसल काजल इस्तेमाल करूंगी एज अ ब्राउ पेंसिल. इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मैं 3 चीजों, जैसे बीबी क्रीम का तो रोल खत्म हो गया, कैसे मैं काजल को और लिपस्टिक को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करूंगी. सो इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए. यू विल गेट टू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक काजल, आई लाइनर पेंसिल को और लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं. अब मैं इसको एज अ ब्राउ फिलिंग पेंसिल की तरह यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये कलर जो है वो जेट ब्लैक है और मेरे ब्राउज का कलर जो है वो एकदम थोड़ा जेट ब्लैक नहीं है, थोड़ा ब्राउन टोन पे है. तो मैं बहुत ज्यादा डार्क कर दूंगी तो वियर्ड लगेगा. हल्के हाथों से ब्राउज को फिल करना है, जहां पे गैप लग दिखे वहीं पे फिल करना है, स्लाइट स्लाइट सा. फिर हम इसको स्मज करेंगे. ब्राउज को फिल कर दिया. अब मैं अपने ये एक एंगुलर ब्रश के साथ इसको थोड़ा स्मज करूंगी ताकि इवन लुक आ जाए. देखिए आप उस ब्रश को यूज करने से जो लुक है वो और ज्यादा सादा, स्मूथ और इवन हो गया. अभी भी आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. तो अगर आप काजल यूज कर रहे हैं तो एक एंगुलर ब्रश या ब्राउ फिलिंग ब्रश के साथ उसको थोड़ा आप स्मज कर लें ब्राउज में, अच्छी तरह से वो सेट हो जाएगा, बाल भी सेट हो जाएंगे और ये देखिए परफेक्टली ब्राउज कवर्ड हो गए. और हमारे पास ब्राउ पेंसिल नहीं थी तो हमने अपना मेबलिन का कलोसल काजल इस्तेमाल किया है बिकॉज इट्स अ 3 product मेकअप लुक. सो नेक्स्ट अब हम जाएंगे आईज के ऊपर और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूं. हम यूज करेंगे लिपस्टिक को. मैं अब लिपस्टिक को एज अ आई शेडो अप्लाई करूंगी अपनी आई लिड्स के ऊपर. मैं बस उसको डैब कर रही हूं और दैट्स इट. अब मैं उसको अपने आई शेडो ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगी अच्छी तरह से आईलिड्स के ऊपर. मुझे क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना, हल्का सा सिर्फ टिंट देना है आईज के ऊपर कि उसके ऊपर एक कलर है. तो ये एक ट्रिक है जिसमें आप अपनी लिपस्टिक को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं. इस लुक में मैंने सारी चीजें इस्तेमाल की हैं लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है वो 3 ही यूज किए हैं. उन 3 चीजों को हम कितने डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं आपको वो पूरा आइडिया इस वीडियो में मिलेगा. इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूं. मैंने मेबलिन की कलर शो क्रीमी लिपस्टिक इस्तेमाल की है क्योंकि उसका टेक्सचर क्रीमी है और वो इजिली ब्लेंड हो जाती है. एंड नाउ दैट्स इट. अब आई है काजल की बारी. तो उसके लिए तो हमारे पास काजल है, मेबलिन का कलोसल काजल. मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पे एकदम टाइटली अप्लाई करूंगी बोथ द आईज. ये सेम लुक अगर आप समर्स में क्रिएट कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप बीबी क्रीम की जगह सिर्फ एक फेस कॉम्पैक्ट ही इस्तेमाल करें.
अब मैं अपर लैश लाइन के ऊपर भी काजल लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई मस्कारा यूज नहीं करूंगी क्योंकि सिर्फ 3 प्रोडक्ट मेकअप लुक है इसलिए. और अपर लैश लाइन पे काजल लगाने से क्या होता है कि आपकी लैशेस जो हैं वो एक फेक इल्यूजन आता है कि वो थोड़ी बहुत थिक हैं, डार्क हैं, उनका बेस जो है वो डार्क लगता है. तो ये एक अच्छा ट्रिक है अगर आप मस्कारा नहीं अप्लाई करना चाहते. और अब हम लगाएंगे लाइनर. लाइनर के लिए भी मैं सिमिलर यही यूज करने वाली हूँ, अपनी मेबलिन की कलोसल काजल पेंसिल. ये बहुत ही रीजनेबल है, कुछ 185 रुपीस की आती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ब्लैक है. काजल से ज्यादा मुझे ये एज अ लाइनर पसंद है क्योंकि इतनी स्मूथली ग्लाइड होती है, मक्खन के जैसे बोल सको. आप देख सकते हो कितनी ईजिली ग्लाइड होके अच्छी तरह से एक लाइनर बन रहा है. अगर आप बिगनर हो और आप अभी तक लाइनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए हो, लिक्विड लाइनर के साथ प्रॉब्लम है, तो आप एक बार इसको ट्राई दे सकते हो क्योंकि इसमें कोई ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा. आप एक बार एक प्रसाइज लाइन बहुत आसानी से बना सकते हो. और ये बहुत लंबा स्टे है इसका, इस आई लाइनर का. ये मेकअप लुक ऑलमोस्ट 5 घंटे तो आराम से लास्ट किया है. 5 घंटे तक ये एज इट इज वॉज देयर. सो आई मेकअप हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. अब मैं अपनी लिपस्टिक को एक लाइनर ब्रश के ऊपर लेके उसको अपने लोअर लैश लाइन के नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईज को एक और थोड़ा डीप इफेक्ट मिले और जो हमने ऊपर आई शेडो इस्तेमाल किया है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए और एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट मिलेगा अगर आप एज अ लिपस्टिक को, क्योंकि वो हमने एज अ आई शेडो भी यूज़ किया है ऊपर, तो उसको अपने लोअर लैश लाइन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक सिंक्रोनाइज इफेक्ट आता है ऊपर और नीचे, एकदम इट इज लुक वेरी सिमिलर. अब मैं अपनी लिपस्टिक के साथ नाउ आई मेकअप इज डन एज अ लिप लाइनर भी उसको ही यूज़ करूंगी. पहले आप इससे अपने लिप्स की एक आउटलाइन बना लें, कोई भी लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, और फिर आप अपने लिप्स को अच्छी तरह से फिल करें. ये बड़ा ही सिंपल सा आसान सा तरीका है. अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप अपनी लिपस्टिक को ही एज अ लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं. और मैं अपने फिंगर्स के साथ लिपस्टिक को अच्छी तरह से थोड़ा स्प्रेड करूंगी लिप्स के ऊपर. मुझे लगता है ऐसा करने से लिपस्टिक का स्टे थोड़ा और बढ़ जाता है और वो लिप्स के अंदर थोड़ी डीप तक चली जाती है. और एज अ ब्लशर भी मैं सेम अपनी लिपस्टिक की यूज़ कर रही हूँ. आप अगर क्रीमी लिपस्टिक है तो ये बहुत अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड होती है. आप इसको डैप करके अपनी चीक्स के अपवर डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल सा पिंक ग्लो आता है चीक्स के ऊपर. आप देख सकते हो ब्लशर का काम भी लिपस्टिक ने ही कर दिया एंड चीक्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड नेचुरल. सो ये था मेरा 3 प्रोडक्ट का मेकअप लुक वीडियो. आप देख सकते हैं मैंने काजल को कितने डिफरेंट वेज से यूज़ किया, एज अ ब्राउ पेंसिल, एज अ काजल एंड एज अ लाइनर. एंड उसके अलावा लिपस्टिक को एक लिपस्टिक और 3 काम, उसको मैंने एज अ आई शेडो यूज़ किया, एज अ लिप कलर यूज़ किया प्लस एज अ ब्लशर यूज़ किया. तो इसलिए आप भी अपने कलेक्शन में एक ऐसी सिग्नेचर लिपस्टिक ज़रूर रखें, हैंडी लिपस्टिक ज़रूर रखें जो कि एक तो आपकी परफेक्ट स्किन टोन के साथ मैच होती हो, सेकेंडली जब भी आप कहीं इमिडिएटली कहीं जाना है, इंस्टेंटली जाना है, आपके पास टाइम नहीं है सोचने का, तो आप श्योर हो कि ओके ये मेरे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट हैं, इनको मैं कहीं पर भी कैरी करके कभी भी एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हूँ. और आप इन 3 चीज़ों को हमेशा अपने हैंडबैग में कैरी कर सकती हैं. आप ऑफिस जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, पूरा सारा वैनिटी आपको नहीं उठाना है, और तो आप ये 3 चीज़ें हमेशा अपने साथ हैंडी रख सकते हो और एक डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. इट्स ऑलवेज ईजी टू क्रिएट द मेकअप. आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन के ऊपर कौन सी चीज़ें जाती हैं. इस 3 प्रोडक्ट मेकअप लुक के लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि आप हमेशा डार्क और डीप लिपस्टिक ही इस्तेमाल करें क्योंकि उससे अगर आप डार्क कलर है तो उससे आप लाइटर शेड क्रिएट कर सकते हो, लाइट आई शेडो, लाइट ब्लशर और लिपस्टिक को भी लाइट कर सकते हो. लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट लाइट कलर दोगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा आपके फेस के ऊपर क्योंकि हम कोई फाउंडेशन बेस यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ बीबी क्रीम ही इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसलिए ध्यान रखें कि लिपस्टिक थोड़ी डार्क कलर हो और आपकी स्किन टोन के साथ परफेक्ट जाती हो, वही आप इस्तेमाल करें. तो ये था मेरा 3 प्रोडक्ट मेकअप लुक. प्रोडक्ट्स की जो डिटेल और है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उप्स सॉरी. तो आप मेरा होममेड बीबी क्रीम का वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि मैंने ये होममेड बीबी क्रीम कैसे बनाई है क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए एकदम परफेक्टली काम कर रही है. इसके अंदर मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, इसके अंदर फाउंडेशन है,
एंड दैट्स इट, इट वर्क्स वंडर फॉर माई स्किन एंड यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. अगर आप समझ में ये लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप बीबी क्रीम की जगह आप एज एक कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो, दैट विल बी मोर बेटर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको थम्स अप जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.